स्वागत और अभिनंदन करूं। आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के आगे भिड़े बीजेपी नेता, राजनाथ सिंह के ही आगे हो गए बीजेपी नेताओं में गुत्थम गुत्थी। राजस्थान में बीजेपी नेताओं के बीच माइक को लेकर लड़ाई सीधे तौर पर ये दर्शा रही है कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और तो और बीजेपी के भीतर की गुटबाजी खुले मंचों पर भी सामने आने लगी है। दरअसल राजनाथ सिंह बुधवार को जोधपुर के बालेसर के दौरे पर थे और एक सभा में थे। मंच पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाषण खत्म होने के बाद तीन बार के विधायक रहे बाबू सिंह राठौर भाषण देने पहुंचे। इतने में गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थकों ने बाबू सिंह को बोलने से मना करते हुए उनके आगे से माइक को झटक दिया। बाबू सिंह ने बोलने का मौका देने की बात कही, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। ये सब देखकर मंच पर बैठे नेता सकते में आ गए और खुले मंच पर ऐसी लड़ाई को ढकने के लिए इस दौरान भारत माँ की जय के नारे भी लगाए गए थे। इसी के साथ जब भाषण देने से रोकने पर बाबू सिंह ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह से अनुमति लेकर आया हूँ, मुझे बोलने दो, लेकिन काफी मशक्कत के बाद बाबू सिंह वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। बाद में पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह उठे और बाबू सिंह को मंच पर लेकर आए। उसके बाद बाबू सिंह ने अपना भाषण दिया। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों ने बाबू सिंह के समर्थन में नारेबाजी करना भी शुरू कर दिया। और तो और जिस नेता को मंच पर बोलने से मना किया गया उसे वसुंधरा राजे सिंधिया का खास माना जाता है। वहीं जिस तरीके से माइक को लेकर आपस में बीजेपी नेता भिड़ गए, ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और वो भी ऐसे राज्य में ऐसे मंच पर ये खुली लड़ाई हुई जहां आने वाले समय में चुनाव है।